थोड़ी सी ब्रेक चाहिए थी और बहुत ज्यादा टीवी पे आना बहुत ज्यादा अवेलेबल होना मेरा ख्याल है उससे लोग भी उकता जाते हैं अच्छा। तो थोड़ा सा ब्रेक जरूरी होता है वो कहते हैं ना जाना किसी के घर आने जाने से आपकी वक्त कम हो जाती है तो इंसान को थोड़ा सा आप एक बैलेंस थोड़ा सा थे। जी बैलेंस क्रिएट कर रहा था और फिर जाहिर है कुछ सफर था कुछ और चीजें थी तो हमने सोचा कि सफर कहाँ का सफर यहीं पे अच्छा। सफर पूरीली जानती है सफर है दोनों <laughs> अच्छा दोनों थे <laughs> सर ये बैलेंस की आपने बात की है बैलेंस काफी आउट हो गया है कहा ये जा रहा है कि जो स्टेट के पिलर्स होते हैं उनका बैलेंस काफी आउट हो गया पिछले कुछ दिनों में और उसमें जुडिशरी जाहिर है कि आ, कहा गया है कि पावर्स बहुत ज्यादा कम कर दी गई हैं तो इसको कैसे देख रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और मैं मेरा जहन में इतनी चीजें आ रही हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से इसका जवाब दे दूं देखिए मैं इस मैं नहीं समझता ऐसे हुआ है और उसकी वजूहत है कि पावर्स कम कर दें जुडिशरी की पावर्स क्या होती है पावर गेम है ना फिर फिर हमने तस्लीम कर लिया कि ये पावर गेम है तो पावर गेम में तो फिर अदलिया को हारना चाहिए पार्लियामेंट के सामने अदलिया पार्लियामेंट की हुक्मरान है बादशाह है वर तो पार्लियामेंट की है आवाम की हुक्मरानी है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जमूरीत के मुताबिक तो आवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है अब आप उसे कह सकते हैं पार्लियामेंट में ये धांधली हुई है ये फलाना हुआ है ये लोग इसकाबिल नहीं है तो जैसी कौम है वैसे लोग होते हैं दूसरी तरफ आपके अदलिया जिससे आप, आप मुकाबला कर रही हैं पार्लीमेंट का के पावर कम हो गई है तो अदलिया की अदलिया का क्या रिकॉर्ड है हमारी का इस वक्त दुनिया में अदलिया किस नंबर पे हमारी कितना इंसाफ लोगों को देते हैं कितने लोगों की का एतम है अदलिया पे पार्लियामेंट तो हर पांच साल बाद अवाम के पास जाती है अपना एहतसाब करवाते हैं सारे नैब उनका एहतसाब करता है ये अदालतें उनका एहतसाब करती हैं पार्लियामेंट उनका एहतसाब करता है मीडिया उनका एहतसाब करता है हर किस्म का इल्जाम उन पर लगता है हर किस्म की गाली उन्हें दी जाती है आप किसी जज को कुछ कह सकती हैं किसी जज का एहतसाब कर सकती हैं कोई जज कभी आज तक किसी जज को सजा हुई है इस मुल्क में या तो हम ये मान लें इस मुल्क के तमाम जज आज तक जो थे वो ईमानदार थे वो पाक थे जिस पे इल्जाम लगता है, है। रिसेंट दे और इस्तीफा देके भाग जाते हैं खड़े हों मुकाबला करें साबित करें जैसे ने किया था कि हम सच्चे हैं हम भाग नहीं रहे कहीं हम इल्जाम का सामना करेंगे दिफाक करेंगे सबूत देंगे लेकिन क्या करते हैं भाग जाते हैं भागना नहीं खाली काफी पेंशन लेते हैं पक्स लेते हैं प्रिवलेज लेते हैं क्यों तो ये जो अदलिया की पावर की ये जो माइंडसेट बना दिया गया ना हमारा पिछले सतर साल में इस मुल्क में खास तौर तो पे पिछले दस बारह साल में यह क्या क्या अदलिया आजाद है अदलिया आजाद अदलिया मादर पिदर आजाद नहीं है पूरी दुनिया में कोई और अदलिया नहीं कोई अदलिया नहीं और पूरी दुनिया में जहां जज खुद अपने आप को अपॉइंट करते हो आप मुझे एग्जाम्पल दे दें ये जो आपके ये जितने वकील हैं बड़े बड़े और जो बड़े बड़े बेहतर है घरों में बंद थे इन जजेस के लिए कुर्बानी सियासतदानों ने दी है सियासी जमातों ने दी है लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ ने किया था ये जजेस ये वकला तो माल बना रहे थे तब भी किसी के कहने पर किसी की उंगली के इशारे पे या आपके ख्याल में कोई आइन और कानून किस बालादस्ती के लिए खड़े थे या अपने मफादात के लिए खड़े थे और उनमें से जितने आगे आगे से सबको अहदे में ले नाम लेना शुरू करूंगा तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा इसलिए नाम नहीं मैं लेता लेकिन जानता हूं मैं भी सबको और वो सब भी मुझे जानते हैं और मैं उनको भी जानता हूं जो अरबपति बने हैं और सीने पर हाथ मार मार के मुजाहिद ऐसे बनते हैं जैसे उनसे बड़ा यहाँ पे इस मुल्क में कोई मुजाहिद है नहीं सबने सब बातें हैं सब पावर गेम है आपने है आपने बिल्कुल सवाल किया ये पावर कम होना पावर गेम में होता है। जा जाए अपना और कानून के मुताबिक के लिए लेकिन पहले यही वाला डिस्प्यूट सेटल कर लेते हैं सर आपने कहा है कि पार्लियामेंट जो है सॉवरन है लेकिन फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इसी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी तो अगर आप एक आजाद जो आपका पिलर है उसकी उसको कम कर देंगे खुद से मैंने एक कार्टून देखा जिसमें के तीन पिलर्स थे और एक पिलर टूटा हुआ था ऊपर से देखने बात से मुराद है, आप जैसे और बहुत और सारे लोगों की ओपिनियन है जो आपकी है तो एक कार्टून के बेस पे ओपिनियन तो नहीं बननी चाहिए ना कि पार्लियामेंट जो है वो अदलिया आजाद आजाद का मैंने मतलब आपसे पूछा क्या है आजाद का मतलब क्या बताए मुझे पहले आप, explain करें आजाद क्या है आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो अल्लाह मिया की तरफ से आएगी पूरी दुनिया में तो ऐसा कहीं नहीं है नहीं है ना, ना हमारे अपॉइंटमेंट की बात करें ये कंट्रोल की पहले एक बात कर लें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कराए ना फिर अगर आपने अपॉइंटमेंट करनी है तो फिर उसमें ट्रांसपेरेंट uh, करें अपने Transparency सारे प्रोसेस क्या मुराद है ट्रांसपेरेंसी से यही मुराद है कि जैसे जब ये कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर एग्जांपल दी जाती हाँ, है कि वहां पे भी हाँ, जिस तरीके से जजेस अपॉइंट हाँ, होते हैं है। एक तो वहाँ पे लाइफ टेन है वहाँ पे चीफ जस, जो अगले आने वाले जजेस हैं गवर्नमेंट की तरफ नहीं है उसको छोड़ देना मुख्तार हम बात करते हैं दूसरी बात फिर यही है की जब आपकी ट्रांसपेरेंसी जब मैं बात करती हूँ तो वो टेलीवाइज होती है यहाँ पे क्या टेलीवाइज हुआ हमें okay. कैसे पता कि जस्टिस मंसूर अली शाह कैसे बेहतर ऑप्शन नहीं थे जस्टिस या फ्री एक बेहतर बहुत अच्छी बात आपने की है एक तो आपको मेरा ख्याल पता है कि जस्टिस मंसूर बेहतर ऑप्शन थे जस्टिस सया फरीदी हम जब प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे तो आपकी ओपिनियन बड़ी वाजह थी कि कौन बेहतर है तो उसके लिए लाइव ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं है दूसरी बात मैं एग्री करता हूँ आपसे कि लाइव ट्रांसमिशन होनी चाहिए करने तो दें वो वक्त आने तो दें सभी हुई है, उसी में कर कि हम बिल्कुल से बात है। इन जितने की तरफ से जितना गलीस झूठ बोला गया जितनी नफरत मजीद फैलाई गई जितनी गलत बयानी मजीद की गई सिर्फ डॉलर कमाने के लिए उस माहौल में और जिस तरह पी टी आई ने पहले सब आपस सब सब चीजों में पार्टिसिपेट किया वोटिंग में भी जाके बैठे कमेटी के मेंबर भी दे दिए फिर आखिर में कह दिया हमने जब ये माहौल हो और एक प्रोपेगेंडा का झूठ का तूफान हो उसमें मैं तो समझता हूँ ये एक स्टेप फॉरवर्ड है ये बड़ी बात है अगला स्टेप जो होगा वो लाइव ट्रांसमिशन का होगा ये टी से टीवी वी जब ईजाद नहीं हुआ था उससे पहले लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था उस वक्त भी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर इंश्योर होती थी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए लोगों को देखना चाहिए मैं चाहता हूँ ये मैं आपसे इस पर हंड्रेड परसेंट मुतफिक हूं मैं चाहता हूं ये जजेस जब अपॉइंट होते हैं तो इनकी स्क्रूटरी टीवी पे सबके सामने इनसे पूछा जाए कि भाई आप बड़े बड़े वकील हैं आप तीनों ने मिलकर एक चेंबर बनाया हुआ है चारों ने मिलके पांचों ने मिलकर जहां टाउटिंग होती है अदालती केस मैंने एक लफ्ज कह दिया लाहौरी हथौड़ा ग्रुप तो बड़ा उस पर रिएक्शन आया अब हथौड़ा जो है वो अदलिया का निशान जज का निशान है आपने देखा होगा ना जज के हाथ में हथौड़ा होता है सिंबॉलिक है एक हथौड़ा ग्रुप होता था लोगो था लोगों को कत्ल करता में और पंजाब के और शहरों में भी तीस साल पहले या बीस साल पहले उन लोग कहने लगे कि जी मैंने उनको उस हथौड़ा ग्रुप से तश्मीर दी है मैंने कहा था लाहौरी हथौड़ा ग्रुप लाहौरी हथौड़ा ग्रुप वो है जो लाहौरी लीट है एक और वो अदलिया को अपनी उंगलियों पर नचाती है उसमें वकील शामिल हैं उसमें जज शामिल हैं उनके रिश्तेदार शामिल हैं उसमें सियासतदान शामिल हैं उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल हैं उसमें स्टैब्लिशमेंट के लोग शामिल हैं तो एक लाहौरी लीड है उनको तकलीफ पहले ये हुई काजी फ़ायजिशा बलोचिस्तान से हैं अब यही आफ्री जो हैं वो खैबर पख्तनख्वा से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस चीज़ की इस लाहौर लाहौरी हथौड़ा ग्रुप को तो लेकिन मैं क्या करूँ ये मुल्क तो सबके लिए है तो सभी ने इस पर रहना है तो ट्रांसपेरेंसी जो है वहां से बात शुरू हुई थी तो लाइव ट्रांसमिशन होनी चाहिए मैं इन सब जजेस से पूछता हूं सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी अपनी जज बनने से पहले की इनकम टैक्स रिटर्न वेल्थ टैक्स रिटर्न पब्लिक करें मैं एक बात सिर्फ कर रहा हूं ट्रांसपेरेंसी की आपने बात की है ना बिल्कुल आप अपने आप नहीं आप ये जो जिन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ यूट्यूबर्स ने और पीटीए वालों ने इन्हें कहें अपने महबूब जजिस को कहें चैलेंज करता हूं जजेस को तमाम को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वेल्थ टैक्स रिटर्न जज बनने से पहले बीस साल की दस साल की जितना प्रैक्टिस की है पब्लिक करें बताएं कितनी आमदनी थी कितना टैक्स दिया कितनी टैक्स चोरी की सब पता चल जाएगा सब पता चल जाएगा ये जज बनने के बाद किसी में इतनी जरूरत नहीं हुई काजी फाइल के बुक्स और तासुब लोगों के अंदर बहुत है काजी फाइसा के बारे में लेकिन कैरेक्टर उन जैसा कोई नहीं दिखा सकता आज भी सिर्फ काजी फाइजिशा है जिसने अपनी इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स रिटर्न पब्लिक की वेबसाइट पे जज बनने के बाद किए किसी और जज ने फॉलो कर लेता कोई इसको तो ट्रांसपेरेंसी ऐसे आती है मोहतरमा इनकम टैक्स रिटर्न वेल्थ टैक्स रिटर्न इन जजेस को कहें कर दें वकला तहरीक के जितने लीडर जजेस थे सबको चैलेंज करता हूं सबको दोबारा चैलेंज करता हूं तीसरी बार चैलेंज करता हूं वकला तहरीक के तमाम लीडर्स को इफ्तार चौधरी के दौर के अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वेल्थ टैक्स रिटर्न पिछले बीस साल की पब्लिक कर दें और पिछले दस साल की पब्लिक कर दें और जो उस वकला तहरीक में जिन्होंने हिस्सा लिया जिन वकीलों ने बड़ों ने और वो जज बने वो अपने और जब वो जज बने तब उसके बाद खत्म बात ट्रांसपेरेंसी मेरे ख्याल में यूंर होती है ना कि मुझे पता हो कि मेरे मुल्क का चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट हुआ कह रही चाहता हूँ कि वो पता हो टीवी पे दिखाई जाए मैं आपसे मुतफिक हूँ म... मैं कह रहा हूँ इनशाला वक्त आएगा इस मुल्क में जब हम इन जजेस की अपॉइंटमेंट से पहले इनकी स्क्रूटनी होते लाइव टीवी पे देखेंगे I जब हम इनके so. इनकम टैक्स रिटर्न वेल्थ टैक्स रिटर्न बीस बीस साल की दस दस साल की देखा करेंगे देखे कितने ईमानदार वकील है ये

कि कोई जज ऑल जजेस बराबर है चीफ जस्टिस होने का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत बड़े हैं और आप किसी को जो मर्जी कह सकते हो बात ठीक है साहब की। अच्छा तो ब्रदर जजेस होते हैं बता रहा हूँ बराबर होते हैं सीनियर जूनियर का फैसला सही है ठीक है और अगर फिर तो सभी चीफ जस्टिस हुए नहीं सब बराबर हैं सीनियरिटी का कोई प्रिंसिपल नहीं है सब एक ही उस लाइन में चल रहे हैं आप आपकी बात दुरुस्त है हद तक के अगर आप फौज का तरीका कर देखें तो उसमें तमाम लेफ्टिनेंट जनरल जो होते हैं वो आर्मी चीफ बनने के अहल होते हैं और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हो सकते हैं सारे लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान का आइन है वो पसंद आए किसी को यह ना आए उसके मुताबिक तीन सीनियर के आ, तीन पैनल में से एक, एक को आपने चीफ जस्टिस बनाना है ठीक है तो वो बना दिया तो, तो पार्लियामेंट ने बना दिया और मेरा ख्याल है कि एक ख्यालहा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल इंसान को बनाया जज को बनाया और वो मोहतरम जज मैं आपको एक बात अभी बता देता हूं खबर समझ लें उनके खिलाफ प्रॉपीगेंडा का आगाज होने वाला है क्योंकि जो इस मुल्क में इस मुल्क की मैशत को ठीक नहीं होना देना चाहते जो इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी चाहते हैं वो अगर आप उनकी बात करें तो आप ठीक हैं और अगर आप उनकी बात की सपोर्ट नहीं करते तो आप बातिल हैं आप काफेर हैं आप गद्दार हैं ये हक और बातिल की जंग है उनके लिए और देखिएगा आप एक नॉन कंट्रोवर्शियल इंसान जज मोहतरम जज जो अपना चीफ जस्टिस का करियर शुरू करने जा रहा है भी इधर है मैं भी इधर हूँ काजी फैजी सर के साथ भी यही हुआ ना कि एक उस वक्त तक तो वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल छोड़ के वो मजलूम थे लेकिन उनको आज इन यूट्यूबर्स ने जालिम पेंट कर दिया डॉलर कमाने के लिए के लिए झूठ बोल कितना प्रोपेगेंडा उस शरीफ आदमी के खिलाफ किया गया कि वो एक्सटेंशन अपने लिए कर रहा है पीटीआई के अकाउंट उठा के देख लें ये वकला तहरीक के लीडर्स पिछली वकला तहरीक के जो अरबपति हुए और अब मजीद अरबपति होना चाह रहे हैं चंदे लेके नई तहरीक चलाना चाह रहे हैं ये, इनकी जुबान चेक कर ले इनके चेक कर ले इनके अंदर नफरत बुक्स और तसब चेक कर ले सिर्फ इसलिए कि काजी फाइजि लाहौरी या थौड़ा ग्रुप का मेंबर नहीं था लाहौरी थौड़ा ग्रुप जो है ना उसको तकलीफ सिर्फ ये हुई है कि वन आफ्टर द अदर दो चीफ जस्टिसिस लाहौरी याथौड़ा ग्रुप के बाहर से आ गए अब लाहौरी थौड़ा ग्रुप क्या करे हलवे चल रहे हैं टोटी चल रही है कमीशन बन रहे हैं मर्जी के केसेस मर्जी के बेंचेस में लगाए जा रहे हैं सारे कह रहे हैं बाबर वन कह रहे हैं हामिद खान कह रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह का सुन लें आप कि जजेस किस तरह अपॉइंट होते हैं और किस तरह होने चाहिए किसी का बेटा है किसी का दामाद है किसी का रिश्तेदार है किसी का कुछ है जज लगा दिया जाता है चेंबर से और फिर उस चेंबर का की रौनक चलती है कारोबार चलता है तो अब अगर पार्लियामेंट के पास ये इख्तीयार आया है तो बहुत अच्छा हुआ है और मैं समझता तो हूँ कि कंट्रोवर्सी खत्म होनी चाहिए लेकिन होगी नहीं प्लान पूरा है मुअशित नहीं संभलने देनी स्टेबिलिटी नहीं आने देनी पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं होने देना जो माफिया है असल जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता उसके हाथ में ताकत होनी चाहिए पावर गेम है और जस्टिस मंसूर अली शाह इसमें निशाना बन गया। एक छोटा सा सवाल यहाँ पे अगर ले लें और फिर लेंगले अगली बात के साथ उसको एड्रेस भी कर दें आपने कहा है कि क्या खत्म नहीं होएगा क्या गवर्नमेंट के पास ये एक अच्छा मौका नहीं था कि इस को खत्म किया जाता आईनी तरमीम हो चुकी थी तीन सीनियर मोस्ट में से आप अगली बार लगा लेते इस बार जो है वो आप जो सीनियर थे उन सीनियर मोस्ट जो थे उनको ये लगने देते वो सबके लिए एक्सेप्टेबल थे तो चीजें आप नहीं समझते कि स्मूथ हो जाती तो आपके ख्याल है कि जिसको उसको जज लगा दें चीफ जस्टिस पीटीआई नहीं कह रही लेकिन कह रही है तो पीटीआई के क्यों बन गए ने उनको क्यों अपना लिया नहीं मैं अपनाया हामिद खान क्या कहता है सलमान अकम राजा क्या कहता है इमरान खान क्या कहता है भूल गई आप दिखाऊंगा आपको दिस इज देयर राइट टू बिकम दिस इज हिज टाइम टू बिकम द जज आइन बदल गया कानून बदल गया मैं वही कह, कह रही कि एक बंदे ने आके आपके अंगूठा रख दिया गर्दन पे ब्लैकमेल करने के लिए तो उस ब्लैकमेलर की बात मानने के लिए तो बात करते ना करते ना बात ठीक है ये जब मौरान रहमान साहब के साथ मुसविदा बना रहे थे जिसपे इन्होंने एग्री किया पीटीआई के लीडरशिप ने एग्री किया ना किया ना एग्री

हम कल उनसे मश्रा करके आपको हत फैसला अपना बता देंगे उन्होंने मौलाना फजल रान साहब ने उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई उन्होंने मुलाकात के बाद आके मौलाना से मुलाकात नहीं की इमरान खान से मुलाकात के बाद उन्होंने रात को एक प्रेस लिस्ट जारी की अगले दिन कि हम ए नित रमीम के साथ नहीं हम वोट नहीं देंगे ठीक है right, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है मुजाक के आखिरी दिन उसमें खड़े होकर उन्होंने कहा कि यह हमारा मुश्तर मुसवदा है उसमें वो बात करते उसमें बात करते कि इसका निफाज अगली दफा से हो जाए जब आपने हाँ, कहना है माई वे और दी ये वे, ये अगर आप ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं एक सियासी जमात सिर्फ और बाकी तमाम पूरे मुल्क को ब्लैकमेल करना चाहती है उसके एक करोड़ पचहत्तर लाख वोटर्स हैं तो बाकी जो तेईस करोड़ पच्चीस लाख हैं वो क्या वो उन, उनका उनका ग्रेड कम है वो निचले दर्जे के इंसान हैं या निचले दर्जे के शहरी हैं इस मुल्क के के एक करोड़ पचहत्तर लाख जो कह रहे हैं वोटर्स वो तो ठीक है एक करोड़ पचहत्तर लाख के साथ कितने लोग होंगे फैमिली मेंबर्स अगर के चार भी हम कर लें तो कितने बनते हैं पांच करोड़ छह करोड़ तो बाकी जो उन्नीस करोड़ हैं वो आपके नजदीक भेड़ बकरी हैं उनकी कोई से नहीं है उनकी कोई वैल्यू नहीं है उनको आप जो मर्जी कह लें लेकिन बहरहल वो इस मुल्क के शहरी हैं उनका एक वोट है लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था मेरा सवाल ये था कि जो आने वाला क्या है इसको बड़े इजीली अवॉइड किया जा तो सकता तो फिर था। ऐसा करें जेलों सारे केसेस हर एक पे खत्म कर दें और उन साहब को ला के बिठा दें दोबारा मसंद पे और वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएं अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाएं अपनी मर्जी का डीजी आई एस और हुकूमत करें जैसे ग्यारह साल से केपी में कर रहे हैं और हम एक बात नहीं करते केपी में केपी में कैसी हुकूमत चल रही है साढ़े साल यहाँ कैसी चली थी हम इसमें बात नहीं करते हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई वो क्योस मचाएगा देखो ये घर का सबसे ना आ, क्योटिक बच्चा है ये बर्तन तोड़ देगा इसको गाड़ी ले दो एक्सीडेंट कर देगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं दूसरी ले दो बच्चा है ना क्योस में चाहेगा वरना मतलब ऐसे मुल्क नहीं चलते ऐसे घर नहीं चलता ऐसे एक इंसान की इंडिविजुअल की लाइफ नहीं चलती आप चाहते मुल्क चलाएं सिर्फ इसलिए कि क्योस है तो चोर डाकू जब आपके घर में घुसता है तो वो क्या कहता है कि मुझे सारा माल दे दो अपने राइट सारे छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा और कर दूंगा और आप दे देते हैं दे देते हैं ना तो फिर आप इमरान खान और पीटे को चोरों और डाकूओ से तिस्वी दे रही हैं आई एम सॉरी इफ यू डू दैट आई

वो एक सियासी जमात की साइड ना लेते उन्हें अचानक एक केस पहले लगाने की क्या जरूरत थी तमाम उनकी इज्जत करते थे उन्हें किसी के पीछे क्यों चल सजा की बात नहीं है जब आप पावर गेम में आते हैं ना देखें बाद आपने शुरू जहां से की थी ना पावर की बात की थी जब आप पावर गेम में आप जज रहते ना फिर आपने सियासतदान बनना है तो फिर करें सियासत अब आपका मसला ये है और आप जैसे बहुत सारे लोगों का वो चाहते हैं सियासतदान सियासत ना करें

Yes, कोई भी गवर्नमेंट सकती है ये देखिए मैं आप सम, मैं समझता हूं कि आप फंडामेंटली एक फंडामेंटली एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर रही हैं कि जो भी हाई कोर्ट का जज बनता है ना और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में आना है और फिर उसने चीफ जस्टिस जब भी बनना है वो तमाम बुजदिल ड्रपोख कमजोर करप्ट हैं सॉरी आई डोंट थिंक सो अगर आपका ये परसेप्शन है जजिस के बारे में के वो अब ये ये जजेस तो हमें खुतबा दे दे रहते हैं सुबह से शाम तक जमीर के मुताबिक आयन की रूह के मुताबिक आयन कानून की बात नहीं करेंगे रूह पे चले जाएंगे जमीर पे चले जाएंगे जब वो उनको जमीन उस वक्त कहा जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट के वो जज होंगे और वो अपना जमीर सुला के हुकूमत को खुश करने की कोशिश करते रहेंगे सारे तो आप उनको जज बनाते क्यों फिर बताए ना वहीं से क्यों नहीं वहीं से एंट्री पे क्यों नहीं ब्लॉक करते तभी तो, तो मैं कह रहा हूं देखे ना इनकी इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ टैक्स रिटर्न एंट्री लेवल पे पता चल जाएगा कितना ईमानदार है वहीं से पता चल जाएगा कितना सच्चा है तो इसलिए आप सबको परेशान पेंट था 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 था। ना करें इस ब्रश से कि सब करप्ट हैं कमजोर हैं बुजुर्ग बुजे के पीछे भागेंगे और इसलिए अपना जमीर सुला देंगे आइन और कानून को रौन देंगे सिर्फ चीफ जस्टिस बनने के लिए अगर आप यह समझती है इस अदलिया के बारे में तो अदलिया को सोचना चाहिए आपने तो परसेप्शन क्रिएट कर दिया अदलिया को भी सोचना चाहिए कि उनकी रेपुटेशन उनके फॉलोअर्स उनके सपोर्टर्स के सामने क्या है इस अदलिया को अपना एक सौ उनतालीस नंबर से ऊपर लाना चाहिए अपने आप को इन्हें अपने आप को बेहतर करना चाहिए इन्हें ये सुननी चाहिए आपकी बात की आप लोग इन्हें क्या समझते followers हैं समझोटर्स तो नहीं लेकिन इस मुल्क में अगर रहना है तो अदलिया की तरफ आप, आप सपोर्टर है ना आप सपोर्टर्स हैं ना इन जजेस की जो बैठे हैं इस वक्त तो आ, नौ जज आठ जजेस जो रोजाना एक नई वजह जारी कर देते हैं नौ आठ है नौ है आठ ठीक है और वो आपके आप नहीं आप जैसे बहुत सारे लोगों के आइडियल हैं लेकिन आप लोग उनके बारे में परसेप्शन क्या क्रिएट कर रहे हैं कि ये जो जजेस हैं ये अपना जमीन गिरवी रख देंगे आइन और कानून को पीछे छोड़ देंगे हुकूमत वक्त को खुश करने के लिए फैसला करेंगे ताकि अगला चीफ जस्टिस बन सके ये क्या परसेप्शन आप लोग इनके बारे में क्रिएट कर रहे हैं अगर ये ऐसे हैं तो फिर इन्हें सुप्रीम कोर्ट में बैठे क्या करें छोड़ दें हम फिर छोड़ क्या क्या करें करें फिर ये सारी गवर्नमेंट फिर कैसे लाएं पे लाए आप ये कहें कि इस निजाम को मजीद बेहतर करें पार्लियामेंट के जरिए पार्लियामेंट को मजीद सुप्रीम करें और पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी आप लोग करें आवाम करें जो हुकूमत गलत काम करती है किसी गलत जज को लेके आती है अगली दफा उसे वोट आउट कर दें उसे ना हुकूमत में लेके आए ठीक उसकी मुखालफत करें लेकिन ये यूट्यूबर्स के जरिए अगर जजेस सियासत करेंगे लॉबिंग करेंगे जेहन साजी लोगों की करेंगे एक सियासी जमात के हक में या एक सियासी जमात के मुखालिफ तो फिर अंजाम तो ताकत की गेम का अंजाम एक ही होता है या तख्त या तख्ता हम फिर असूल नहीं होते आप ये, आप ये भी बड़ा मसला है कि एक साइड है जो कहती है कि मेरे ऊपर कोई असूल लागू नहीं है मैं जो मर्जी करूं मुझे कुछ ना कहा जाए लेकिन दूसरी साइड जरा सी लाइन भी क्रॉस करेगी तो वो कह चोर है वो कुह है वो खाइन है इनको मार डालो इनको खत्म कर दो इनको फांसी लगा दो पावर गेम ऐसे नहीं होता पावर गेम में जो सूल हैं वो फिर दोनों तराफ के लिए होते हैं अगर असूल नहीं है तो फिर दोनों तरफ फिर पावर गेम ये होती है जब आप खुद आयन और कानून पे नहीं चलना चाहते वायलेंस करके आप आयन और कानून का रास्ता मजबूत करना चाहते हैं ये मुमकिन नहीं है सवाल और भी मेरे पास बहुत सारे हैं एक लास्ट क्वेश्चन कर लूँ सेशन लंबा हो गया सर ये जिस तरीके से अभी तो अमेंडमेंट्स हुई और बारह रुकनी कमेटी जो है उसने दो तिहाई से एक नाम भेजना था इतफाक हो गया क्योंकि पीपल्स पार्टी और पी एम एल एन सेम पेज पे हैं। आप समझते हैं कि फ्यूचर के अंदर अगर ये सेम पेज नहीं रहता तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान में अपॉइंट नहीं होगा पेज? ये जो कमेटी के अंदर इतफाक हो गया है बारह रूपी कमेटी आठ चाहिए थे ना आठ एक आठ चाहिए थे ना तो, तो थी हो गया हाँ तो वो अक्सरियत ही फैसला हुआ है इतफाक नहीं हुआ इतफाक होता है नौ होते हैं या बारह के बारह यानी आठ लोगों का आपस में इतफाक हो गया है ये आठ रिक्वायर्ड है आठ का नंबर रिक्वायर्ड है ठीक है तो अगर आने वाले टाइम्स में हुकूमत का इतफाक नहीं हो पाता इस कमेटी का सॉरी इतफाक नहीं हो पाता किसी एक नाम के ऊपर तो क्या चीफ जस्टिस अपॉइंट नहीं होगा ये किस तरह की एक, आ, चीफ जस्टिस बने हाँ जो राइट आपकी बात बड़ा अच्छा पॉइंट है ये और मैं ये समझता तो हूँ कि इस आईनी आए, तरमीम में बहुत सारे फ्लॉस हैं नकायश इसी है जिससे मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे हालात अभी फौरी तौर पर तो बेहतर होते नजर नहीं आते और इसीलिए आपने कहा कि और से बचने के लिए जस्टिस मंसूर को चीफ जस्टिस बना देना चाहिए था तो मैं अगर आप किसी और के सामने बात कहेंगे वो समझेंगे थ्रेट है मैं वैसे आपको एक बात कह रहा हूँ परसेप्शन ऐसे क्रिएट होता है तो अगर मैं ये कहूँ कि औसत से बचने के लिए आप जस्टिस मंसूर आपने कहा सुपर सीट किया है तो फौज की रिवायत पर अमल करें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों बड़े काबिल एहतराम हैं छोड़ दें घर चले जाएँ अगर सुपर सीट होना समझ रहे हैं

चीफ जस्टिस बन जाते तो वो सड़कों ना आते या पिछले बारह साल में वो कब सड़कों पर नहीं आए कम अज कम वकील पिछले बारह साल में ना? उनकी मर्जी का आर्मी चीफ भी आया उनकी मर्जी का डी जी आई सी भी आया उनकी मर्जी के चार चीफ जस्टिस उनके एजेंट लगे वन आफ्टर अदर चार चीफ जस्टिस उनके एजेंट थे पी आई टी आई के नाम लू लेना चाहे तो ले ले चले आपको पता ही है आपकी मुस्कुराहट बता रही है आपको पता है तो क्या कर लिया एहत नहीं किया उनके जो उनके एजेंट थे चीफ जस्टिस चार एक के बाद एक लेकिन अब उनके पास मौका है ना ये वाला इसके ऊपर फिर से करेंगे हाय तो पांचवा भी उनकी मर्जी का ये मुल्क उनको, का। जैसे मैं कह रहा हूं मैं, मैं आपकी बात मान लूंगा मैं मान लूंगा जिस दिन आपने डिसाइड किया मैं के पी मैं जन्नत बनी हुई मैं शिफ्ट हो रही हूँ केपी में और आप जैसे जितने भी पंजाब में या इस्लामाबाद में या कराची में रहने वाले लोग हैं जो बेहतर जगह पे जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो केपी में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे ना तो मैं आपकी ये बात मान लूंगा ठीक है यानी वरना मैं तो गवर्नेंस देखूंगा मैं से पूछूंगा ग्यारह साल क्या किया वहां पे और साढ़े तीन साल क्यों किया कि अब पांचवा चीफ जस्टिस भी पीटीए की मर्जी का ले आए करना फिर भी उन्होंने कुछ नहीं है सर मुनीप बख्तर का तो नहीं कह रहे ना कि उनको लगा दिया जाता जस्टिस मंसूर अली शाह राइटली एंड जस्टिस बख्तर क्यों डिजर्व नहीं करते ये आपने क्या बात की

झुकाव हो जाए एक केसेस को लगाना शुरू कर दे तारीख से पहले okay. और फिर वो एक पार्टी में सलसल उसको सपोर्ट जमात ठीक है अगर आपकी जगह पे कोई किसी और को सपोर्ट करना शुरू कर दे कि इसको लगाएं, सीनियर भी है हुँ. तो फिर ये मेरी जगह किसी और को भिजवा कि सीनियर है, है, है इसको बिठाए फिर चले ठीक है आज के लिए इतना क्वेश्चन बहुत सारे हैं आने वाले दिनों में उनको भी एड्रेस करेंगे अब तक के लिए दीजिए इजाज़त फीडबैक ज़रूर दीजिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़